नॉर्थ कोरिया दुनिया का ऐसा देश है जहां किम जोंग के इजाजत के बिना कोई परिंदा पर भी नहीं मार सकता। यह देश किसी जहन्नम से कम नहीं है और ऐसा कहा जाता है कि एक बार अगर कोई यहां चला गया तो भूलकर भी वहां से वापस नहीं आ सकता। जिस किसी ने भी यह गलती करने की कोशिश भी करी है उसका अंजाम बुरा ही हुआ है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है? क्यों नॉर्थ कोरिया किसी पिंजरे से कम नहीं है? इसके बारे में जानेंगे हमारी आज की इस वीडियो में, तो बने रहिएगा अंत तक। कहा जाता है कि नॉर्थ कोरिया दुनिया का सबसे बड़ा जेल है। यहां के नागरिक किसी कैदी से कम नहीं है। अगर आज नॉर्थ कोरिया इस बड़े संकट से जूझ रहा है तो इसके पीछे का रीजन कोई और नहीं बल्कि यहाँ का तानाशाह किम जोंग ही है, जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर कोई किम जोंग की परमिशन के बिना देश को छोड़ने की भी कोशिश करता है तो यह किम जोंग की नज़र में एक गुनाह है। आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि नॉर्थ कोरिया में एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में जाना भी इलीगल माना जाता है। अगर हम ह्यूमन राइट्स की बात करें तो इस मामले में नॉर्थ कोरिया इकलौता ऐसा देश है जो आपको ह्यूमन राइट वायलेशन की लिस्ट में सबसे नीचे मिलेगा। नॉर्थ कोरिया के हर एक मर्द को नॉर्थ कोरिया की मिलिट्री में लगभग 10 साल तो सर्व करना ही पड़ता है। यहाँ पर आपको फ्री स्पीच की कोई भी जगह नहीं मिलेगी। यहाँ तक कि यहाँ का मीडिया भी गवर्नमेंट की डायरेक्ट कंट्रोल में आता है। यह एक ऐसा देश है जहाँ अगर आपका रिलेटिव कोई जुर्म करता है तो उसकी सजा आपको भी मिलेगी। ऐसे में आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि यह देश किसी जहन्नम से कम नहीं है। बात 2009 की है जब यहाँ एक 2 साल के बच्चे को भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। ऐसा सिर्फ इसलिए किया गया था क्योंकि इस बच्चे के माता पिता के पास बाइबल की किताब पाई गई थी। इस देश में अगर कोई बाहर से आ भी जाता है तो गवर्नमेंट द्वारा उसकी पूरी निगरानी करी जाती है। लेकिन कई बार तो यह भी देखा गया है कि बाहर से आए फॉरेनर्स को भी नॉर्थ कोरिया में जान से मार दिया जाता है। 2015 में ऑटो बॉम्बर नाम का अमेरिकन आदमी नॉर्थ कोरिया में आया, लेकिन बाद में 2016 में उसे गिरफ्तार कर लिया गया सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसने अपने होटल रूम में गवर्नमेंट द्वारा प्रोपोगंडा फैलाने वाले एक पोस्टर को हटाया था। उस समय इन्हें 1 साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन बाद में यह नॉर्थ कोरिया के जेल में ही कोमा में चले गए। नॉर्थ कोरिया में रह रहे लोग यहां से भागने की हर एक मुमकिन कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी सारी कोशिशें नाकामयाब हो जाती हैं। और इसका कारण है नॉर्थ कोरिया की जियोग्राफी। नॉर्थ कोरिया के वेस्ट में येलो सी है और वहीं ईस्ट में जापान सी है। यह वह जगह है जहां पर नॉर्थ कोरिया आर्मी का टोटल कंट्रोल है और इस पानी के रास्ते से भी आप कहीं दूर नहीं जा सकते। नॉर्थ कोरिया के साउथ में उसका सबसे बड़ा दुश्मन साउथ कोरिया मौजूद है, तो वहीं अगर नॉर्थ कोरिया का कोई इंसान साउथ कोरिया में जाना भी चाहता है तो वह चाहकर भी नहीं जा सकता क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने अपने बॉर्डर पर सख्त पहरा लगाया हुआ है। ऐसे ही एक बार एक आर्मी अफसर एक जीप लेकर साउथ कोरिया के बॉर्डर की तरफ बढ़ रहा था। बाद में वह अपनी जीप बीच में छोड़कर साउथ कोरिया के बॉर्डर की तरफ भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी नॉर्थ कोरिया के सोल्जर्स उस पर गोलियों की बौछार कर देते हैं। लेकिन वह जैसे तैसे करके बॉर्डर के उस पार पहुंच जाता है जहां बाद में साउथ कोरिया के सोल्जर्स उसे बचा लेते हैं। ऐसे ही न जाने कितने अटेम्प्ट यहां के लोगों ने अपनी जिंदगी में किए होंगे अपनी जान बचाने के लिए। कहा जाता है कि नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया के बॉर्डर पर 7 लाख से भी ज्यादा सोल्जर्स को डिप्लॉय किया हुआ है। यहां तक कि यहां पर लैंड माइंड तक बिछी हुई है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के नॉर्थ में चीन मौजूद है, तो वहीं थोड़ा बॉर्डर नॉर्थ कोरिया रूस के साथ भी साझा करता है। इस जगह से भी बचकर भाग निकलना काफी खतरे का काम है क्योंकि इस तरफ खतरनाक माउंटेन और रिवर्स मौजूद हैं, जिन्हें पार करना काफी मुश्किल है। लेकिन अगर कोई इंसान कैसे भी करके चीन में पहुंच भी गया तो भी उसकी परेशानी कम नहीं होगी क्योंकि यह दोनों देश नॉर्थ कोरिया के मित्र मुल्क हैं और यहां की आर्मी उस शख्स को जरूर दबोच लेगी। यही वह कारण है जिसकी वजह से नॉर्थ कोरिया को एक जेल वाला देश माना जाता है। यहां लोग आजाद रहकर भी आजाद नहीं रह पाते हैं। दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसी और वीडियोस के अपडेट आप तक पहुंचते रहें।